के चेंबूर अमरमल सिग्नल के पास पंचशील नगर के रहवासी बिल्डर आशापुरा डेवलपर्स व अरियंत रियल्टर्स विद्यमान व एसआरए के खिलाफ अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि बिल्डर अभी तक 150 लोगों को घर के बदले घर नहीं मिला है, इसलिए हम सब अपनी घर की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। अनशन का आज चौथा दिन है और अभी तक एसआरए और बिल्डर की तरफ से रहवासियों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए आरपीआई के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे दूसरी बार अनशन पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे। दीपक भाऊ निकालजे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे व आरपीआई के युवा नेता संजय ढोलसे सहित कई लोग शामिल थे। दीपक भाऊ निकालजे का कहना है कि आपका घर आपको मिल सके, इसलिए हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब देखना यह है कि इन स्थानीय लोगों को कब तक अपने हक का घर मिलता है। नहीं, आज मैं इसके पहले भी दो दिन पहले भी पुलिस स्टेशन में जाके मैं पुलिस लोगों को बता दिया कि ये लोग उपोषण करने की नौबत इनको क्यों आ गई। आज 2.5 साल हो गया, घर में लाइट नहीं, पानी का समस्या है। अभी जी लोग पात्र हो गए, कुछ लोग पात्र हो गए उनको भी जो महीने का रेंट देना चाहती थी वो भी रेंट दिया नहीं, तो मतलब पात्र होने के बाद भी रेंट नहीं दिया गया, तो वो गलत तरीके से हो रहा है। ऊपर से अभी इन्होंने जो इन लोगों को घर दिए गए वो घर में भी लीकेज है, सब जगह प्रॉब्लम है, तो वो हिसाब से इनको आज अनशन पे बैठना पड़ा। अब ये बैठे हुए हैं, इनके ऊपर अन्याय हो गया है, इसीलिए हम लोग दीपक भाऊ निकालजे सामाजिक संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सारे पदाधिकारी लोग आज हम लोग इधर आके इनको बाबा हम तुम्हारे साथ है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको बताया है कि भाई जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके पीछे अपन खड़े रह के उनको न्याय मिला के देने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी रामदास जी अठोले सब 2 दिन में आएंगे, फिर हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाके कि भाई इनको ये तकलीफ़ है और उनकी तकलीफ बताएंगे और उसमें से हम लोग हल निकालेंगे। अगर हो सकता है 2 दिन के अंदर मैं बिल्डर को भी बुला के मीटिंग लेके उनको ये सारे समस्या में एक किस तरीके से तुम शॉर्ट आउट करके दे रहे हो, वरना फिर तुमको फिर आगे का भी डेवलपमेंट के लिए तकलीफ हो जाएगी, तो प्यार मोहब्बत से गरीब लोगों का जो हक है वो हक देने का काम करो। वो हम लोग उनको इंटरवेंशन दे देंगे, 2 दिन में मैं बुला के उनसे बात करने वाला हूँ। नहीं, मांग तो पूरी हो ही, अब बिल्डर का आगे भी काम है ना, उनको काम करना ही है ना वो आगे। अगर ये काम नहीं होगा, इन लोगों पे अन्याय अत्याचार करेगा तो फिर आगे के लोग हैं उनको भी तो घर देना है उनको, तो वो घर दिए बगैर वो आगे कैसे जाएगा। और जिन लोगों को घर मिला है उन लोगों को उसकी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो फिर आने वाले जो लोग हैं वो लोग जो बिल्डर से परचेस करके लेने वाले लोग हैं वो लोग को तो मालूम पड़ेगा ना कि इन लोगों के क्या हाल है। अगर हम लोग ये परचेस करेंगे तो हम लोग के क्या हाल होंगे, तो लोग पैसे देके भी उनसे कोई लेगा नहीं, इसकी वजह से बिल्डर को करना पड़ेगा। नहीं हो गया तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब के पास जाके सारी चीज़ें का शॉर्ट आउट करेंगे। आज इस अनशन का चौथा दिन है, चौथे दिन का मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। यहाँ पर एक महिला है, वो महिला बहुत बीमार है। यहाँ पर सवेरे डॉक्टर आए थे, यहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेकअप किया, कहा कि उनको यहाँ पर सलाइन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर उनको सलाइन लगेगी। ये जो लोग है ये सिर्फ यहाँ पर साकड़ी उपोषण से रुकने वाले नहीं है, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती, मांगे भी कौन सी बड़ी नहीं है, जो उनके अधिकार है, अधिकार को ये मांगे बनाकर अब यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अगर ये भी मांगे उनकी पूरी नहीं हुई साकड़ी उपोषण के बाद भी, तो ये लोग अमरण उपोषण के लिए भी तैयार है। दीपक भाऊ ने जो यहाँ पर समर्थन दिया है, मैं देख रहा हूँ शुरुआती के दौरे से दीपक भाऊ पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ तक इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे उपोषण को समर्थन दे रहे हैं। दीपक भाऊ उनकी जो पक्ष है वहाँ सरकार में है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि दीपक भाऊ कोई भी मसला रहेगा तो वो सरकार बाजू में रखकर यहाँ पर लोगों को न्याय दिलवाएंगे। मैं उनको यहाँ पर विनंती करता हूँ सारे आंदोलकों के माध्यम से कि ये सरकार के माध्यम से ये बातें सरकार में रखे। डेवलपर जो है वो इसी सरकार का एक आदमी है, जैसे आपने अगर देखा आशापुरा डेवलपर वो सरकार का ही डेवलपर है, अधिकृत डेवलपर है, तो वो डेवलपर से बात करके ये लोगों पर होने वाले अत्याचार अन्याय कम करे और लोगों को जल्द से जल्द उनके अधिकार प्रावधान करे।
है।